हेलो दोस्तों, तो आज एक नई रेसिपी के साथ माय किचन काउंटर टॉप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेते हैं। उसमें स्टार अनाइज एक, क्लोव्स 7 to 8, सिनेमन हाफ इंच, फेनल सीड 1 टीस्पून, कार्डमम 2 से 3। तो ये सारे डाल के हम अच्छे से इसको भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है हमें। और इसको, इसकी जब एरोमा आ जाती है, इसको एक जार में ले लेंगे। अब इसको अच्छे से फाइन पाउडर करके निकालेंगे। अब इसको साइड कर दीजिए। एक कढ़ाई लीजिए, दोबारा उसको गर्म कीजिए, उसमें डालिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अब एक अनियन जो है मैंने रफली काटा है, रफली स्लाइस किया है, वो डाला है मैंने। अब इसको भूनेंगे अच्छे से। तो हमें ये प्याज जो है उसको ब्राउन नहीं करना है, इसको बस ट्रांसपेरेंट रखेंगे हम लोग। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो अब मैं इस पे डाल रही हूँ अदरक, हाफ इंच मैंने ली है, उसको मैंने अच्छे से पतला करके उसको स्लाइस किया हुआ है। और इस अब मैं इसमें गार्लिक डालूँगी, 7 से 8 छोटी छोटी कलियाँ ली है। अगर आपके पास बड़ी कलियाँ हो तो आप 4 से 5 यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने डाली है हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च मैंने ली है, उसको आधा करके काटा हुआ है, स्लाइस किया हुआ है, वो डाली है। और करी लीव जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार डालें, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो अपने स्वाद अनुसार उसको डालें। और अच्छे से इसको भून लें, तब तक भून लें जब तक ये प्याज हमारी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। तो इसके लिए 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। अब मैंने इसमें ऐड की है 1.5 टीस्पून नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो मसाला हमने बनाया था अभी ड्राई रोस्ट करके, हमने जो इससे पहले बना के रखी थी वो है, वो मैंने डाली है 1 टीस्पून। तो इससे ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एरोमा आ जाती है, तो मुझे थोड़ा कम पसंद है। तो आप अगर चाहो तो 1.5 टीस्पून तक डाल सकते हैं, मैंने लेकिन यूज़ किया है 1 टीस्पून। तो मैंने चिकन यहाँ पर ली है, 400 ग्राम चिकन, तो वो मैंने डाली है अभी। अब अच्छे से चिकन को प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च जो मैंने ली है 1/2 टीस्पून। ये मैंने क्रश्ड वाली ली है, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्रश्ड ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप पानी। तो मेरी जो कप है वो 250 ml की है, तो उसका 1/2 कप मैंने ली है इधर पानी, मैंने ये डाल दिया है, अच्छे से इसमें मिला दिया है। अब इसको ढक लेते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, लो टू मीडियम हीट इसको रखेंगे और पकाएंगे। अब हमें ज़रूरत है चिकन स्ट्यू में कोकोनट मिल्क की, तो वो हम बनाएंगे। मैंने इसके लिए लिया है 1/2 मीडियम कोकोनट, तो उसको हम मैंने ग्रेट करके निकाला है। ये देखिए, यह है श्रेडेड कोकोनट। तो इसको मैंने मिक्सी के जार में डाला है और करीबन 1/2 कप पानी मैंने इसमें यूज़ किया है, तो वो डाल के मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो ध्यान दें, ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, 1/2 कप मैंने यूज़ किया तो 1/2 कप आप डालें। तो उसको मैं अच्छे से फाइन पेस्ट होने तक, देखिए देखिए इसके टेक्सचर देखिए, तो ऐसे ये एक टेक्सचर होने तक मैं उसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी या ब्लेंड करूँगी। और इसको एक छन्नी लेके छानूंगी। तो इसमें से जो निकल रही है, ये देख सकते हैं आप नीचे के बाउल में, मैं इसमें निकाल रही हूँ इसका दूध, इसको कहते हैं कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क जो है ये ऐसे निकलती है, फर्स्ट जो कोकोनट मिल्क निकलती है वो ज़्यादा थिक होती है, वो ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो ये देखिए, ये सारा दूध हमने निकाल दिया है इसका,
इसको कहते हैं फर्स्ट थिक एक्सट्रैक्ट। तो ये जो चीज़ है हमने निकाल दी है, ये फ़िल्टर करके मैंने एक ग्लास में ले ली है। मैंने यहाँ पे हाफ कप वाटर यूज़ किया था, पानी यूज़ किया था, और मुझे एक ग्लास पूरा दूध जो है मुझे मिल चुका है और मैंने इसको हटा के रखा है। अब ये प्रोसेस को जो ये जो स्टेप्स जो हमने किए हैं वो उसको रिपीट करनी है। तो जो श्रेडेड कोकोनट है उसको दोबारा जार में डाल के पीसेंगे। एक से डेढ़ कप पानी मैंने यूज़ किया है, डाल के पीस लिया है। दोबारा उसको छन्नी में छान के मैंने दूध निकाला है इसका। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास दो ग्लास मिल्क है। जो पहला वाला है वो थिक एक्सट्रैक्ट है और दूसरा वाला जो है थिन एक्सट्रैक्ट है। जो पहला वाला है वो हमने सबसे पहले आधा कप पानी डाल के निकाला था, दूसरा वाला जो है एक से डेढ़ कप पानी डाल के निकाला था। तो अब उसको हटा के रख देते हैं। अब तक हमारी जो चिकन है वो पक चुकी होगी, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और अब इसमें हमारी जो चिकन है वो आधा कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम पोटैटो जो मैंने क्यूब्स में काटे हैं, आलू वो डाले हैं, और उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें जाएगा जो थिन एक्सट्रैक्ट है, और ये थिन एक्सट्रैक्ट मतलब जो दूसरी बार हमने निकाला था एक से डेढ़ कप पानी डालकर, तो वो वाली मिल्क है ये, तो वो डालेंगे हम। क्योंकि फर्स्ट जो मिल्क निकलती है जो गाढ़ी दूध होती है वो नहीं डाल सकते हैं हम, क्योंकि वो डालते ही दूध फटने लगती है, तो वो सबसे लास्ट में डालेंगे। तो अभी हम जो दूसरी बार निकाला था वो वाला दूध डाला है, उसको अच्छे से मिलाया हमने। मिला रही हूँ इसमें 1/4 छोटी चम्मच होममेड मीट मसाला। सबके घरों में होता है खुद का बना हुआ गरम मसाला या मीट मसाला, चिकन मसाला। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 छोटी चम्मच होममेड मीट मसाला। तो मेरे घर पे वो मीट मसाला पड़ी हुई थी तो मैंने वो डाला है। आपकी इच्छा है आप इस वक्त आपके घर पे बनी हुई गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो अब मैंने इसको ढक लिया है अच्छे। 10 मिनट बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह दिखेगी। इसको हम चेक कर लेते हैं कि पोटैटो और जो चिकन है वो पक चुकी है कि नहीं। तो मैं एक फोर्क लेती हूँ और फोर्क से इसको ऐसे इस तरह करके देखूँगी। ये देखिए हमारी जो आलू है ये पक चुकी है, और चिकन भी देख लेते हैं। ये देखिए ये भी पक चुकी है। दोस्तों हमारी जो ग्रेवी है बहुत थिन है, हमने इसमें धनिया पाउडर ऐसा कुछ भी यूज़ किया नहीं है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा हल्का सा भून के डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी राइस फ्लावर। तो मैंने 1 टीस्पून राइस फ्लावर ली है, और उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून्स ऑफ वाटर मैंने यूज़ किया है। तो वो डाल के अच्छे से इसको लम्स फ्री उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसको अच्छे से चला लें जब तक इसकी जो लम्स है वो एकदम इसमें मिल जाए। और अब मैं इसको इस जो बनी हुई ग्रेवी है इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा तो ग्रेजुअली जो है इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो आप फिक्र ना करें। और ये है हमारी फर्स्ट जो हमें पहला दूध पहला जो बैच में मिल्क निकाला था वो है ये। तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसके डालने के बाद ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है या ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो आंच को एकदम धीमी कर दें, एकदम लो कर दें और उसको पका लेते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट बैच वाला मिल्क जो हमने डाला है इसके बाद आपको बॉईल नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये फटेगी। फटने के बाद आपने अब तक जो भी मेहनत की है वो सारा वेस्ट हो जाएगा गाइस, तो उसका ध्यान रखना। और बाकी सब तो आसान है, आपने देख ही लिया। तो अब हम 2 मिनट तक इसको चलाएंगे, उसके बाद हम इसको उसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। तो दोस्तों अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर दिया है, उसमें 1 टीस्पून तेल डाल दिया है। अब उसको गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 या 6 से 7 काजू डाले हैं, और जो सूखी लाल मिर्च होती है वो भी डाला है मैंने। तो उसको अच्छे से भून लेते हैं काजू जब तक ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए काजू ब्राउन हो गई, मैंने इसको इसमें डाल दिया है ग्रेवी में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून देसी घी, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। तो दोस्तों बस इतना ही, हमारा चिकन स्टू रेडी हो चुकी है। इसको हम एंजॉय कर सकते हैं अपम के साथ, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ। तो गाइस इसको ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।